आप उस लायक हैं, मार दीजिए, आप प्रोफेसर हैं, आप उस लायक हैं। कोई शब्द नहीं निकला होगा, इससे आपको हाथ खिला लिया कि आपको कुछ भी बोल दिया जा सब सह लेंगे, क्योंकि आप पद के भूखे ना कि ये प्रोफेसर प्रोफेसर की गरीब भूखे नहीं है, आप मात्र पद के भूखे हैं। सर एडमिशन का मामला है सर, आप एडमिशन रोक बता रहे हो, छात्र नहीं है। नहीं नहीं, हमारे कहने में गरिमा कितनी है छात्रों में, नहीं हम नेता है कि नहीं है वो, आप लोग तो वैसे भी जब लाल पदमधर को उनके शहादत दिवस पर पदार्पण करने आप लोग नहीं जाते, एक शहीद को भी आप लोग सम्मान नहीं दे सकते, तो छात्रों को क्या सम्मान देंगे आप लोग, क्या सम्मान देंगे छात्रों को? एक भी छात्र आप लोग से उम्मीद नहीं करता कि आप लोग छात्रों का सम्मान करेंगे, लाल पदमधर को तो आप लोग सम्मान करते नहीं है, शहादत दिवस पर एक माला फूल चढ़ाने में आप लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, किसान में आती वहाँ कैसे जाए माला चढ़ाने, जो देश स्वतंत्र सेनानी में अपने आप को आजाद कर लिया, शहीद कर लिया, उसको आप लोग माल्यार्पण नहीं करते, तो हम छात्रों को क्या सम्मान देंगे, आप क्या सम्मान देंगे बताइए? 84 दिन से छात्र बैठे हैं, आप सबकी मानसिकता इतनी घृणित हो चुकी है, आप लोग को जमीन मर चुका है कि कम से कम इनको आके वार्ता करें, कुलपति है प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल हुआ ना, 3 साल नहीं बीत पाएगा, जाकर बता दीजिए 3 साल कार्यकाल बीत नहीं पाएगा। हाँ नियुक्ति की पर्पस यही है, नियुक्ति कर रही हैं और जुडिशरी साथ दे रहा है कि नियुक्ति कर ली जा रही है, ठीक बता दीजिएगा, और उनको पता भी जुडिशरी साथ दे रहा है इसलिए नियुक्ति कर ली जा रही है, और नहीं तो विश्वविद्यालय का 10 दिन न रहना, ठीक है ये छात्र विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय कैसे चलना है आप लोग नौका भर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये है कि शिक्षक के नाम पर आपको मान सम्मान दिया जाता है कि शिक्षक है, हो सकता है कि जो नए छात्र हैं उनको इतनी सारी बातें नहीं पता है, कैसे चलाना है आपको भी पता है, और ये सोचिए कि 250 प्रोफेसर विश्वविद्यालय चलाएंगे ये कतई संभव नहीं है, विश्वविद्यालय 36,000 छात्र हैं, और अभी इन सबकी जिम्मेदारी जिंदा नहीं, जिस दिन जिम्मेदारी जिंदा हो जाएगी शायद यह कि आप जेब में घुसा नहीं विश्वास नोट कर लीजिएगा सर, ठीक है। और आपको जो करना दाखिला कैंसिल कर ही दिया है, कुछ खोने को बचाना, अरे क्यों नहीं हुआ भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं क्यों कैसे, वही तो मैं आया था मांगने, तो आपको आने की क्या दे देती है, आपको आने की क्या जरूरत थी, मैं उनसे मिलने आया था, आपका काम यहाँ आना प्रकट नहीं था, आपका काम तो आपका जो पद है उसको बचाना था, यहाँ पर आप ना आते मैडम के सामने धक्का मुक्की ना करते शायद आपका पद चला जाता, ठीक आप नहीं सही बात है, आप एक सम्मानित प्रोफेसर हैं, अगर पद नहीं रहेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं अगर पद नहीं रहेगा तो शायद ये है कि पता नहीं आप की कुर्सी पे बंद करो बंद करो बंद करो, रुक जाओ तो हम नहीं चाहते, क्योंकि आप अभी तक छात्रों का भला किया है, अरे सर बिल्कुल आप हमारे सुचिंतक हैं, आप तो सुचिंतक हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, वो बनी बात है, जिस दिन आंदोलन खत्म होगा बात उसी चले जाएंगे, और आप इसलिए यहाँ पर बने हैं कि कम से कम मैडम सामने धक्की मुक्की कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, कान पकड़ लेते हैं, किसी का गला दबाते हैं, किसी प्राइवेट पार्ट में लात मारते हैं, सर आयुष विधान से साथ है, और जा रहे क्या तुम्हारे जैसा निकल रहा है, ये हमारे संस्कार है, ये सब आप ही के से चलेगा, छात्र निकल, छात्र जानते हैं कि गरिमा का उसको दिख रही है, हाँ छात्र छात्र सब जानते हैं, हाँ गरिमा गिरवी रख गया उनको पता है, अरे सुनिए उसकी बात ना करिए, उसकी बात ना करिए, पता है नहीं नहीं कहाँ पता क्या पेड़ होते हैं वो पता है, अरे चुप रहिए, प्रिपेड क्या रहिए वो क्या, हम खुद ही मिलता है दिन भर का पैसा आंदोलन के, अरे कौन माधव चोद दिया है पैसा, कौन दिया है पैसा, जो दिया है बताओ उसको, घेवा भी रख के चले आए, पैसा दिया है पहले बताया कि देते हैं गरिमा रख के चले आए, कौन पैसा दिया है, यही यही फाइनेंसर कर रहा है, कोई बता दे माधव चोद हमको पैसा दिया, यही फाइनेंसर कर रहा है, बुलाइए ना जौन पैसा दिया, नहीं नहीं सर कैसे चुप रहिए, कौन होते हैं बोलने वाले, चुप रहो बोलो ना, जिससे बात हो रही बोलना ना, चुप रहो बीच में बोलते हैं, लबलबाना ना बीच में, जो आप जो काम माफ करते हैं, जो काम माफ करते हैं, चंद्रा चौकड़ी करती है उसको आप छात्र पर आरोप लगा दे, आरोप लगा दे, अभी मैं ही बोला हूँ, जब छात्र बोलने लगे भाग नहीं पाएंगे, दलाल है, दलाल से क्या बोला।